की नीयत से कुछ लोगों ने कावड़ियों के देश में आकर पहले तो एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, जब मौके पर पुलिस पहुंची तो आरोपियों ने पीसीआर वैन में तैनात पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करते हुए पीसीआर वैन में भी तोड़फोड़ कर दी। घटना में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। ये खबर बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र के बुगरासी चौकी क्षेत्र के बुगलना गांव की है, जब कांवड़ियों की ड्रेस में आकर कुछ लोग बवाल करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह ये लोग न सिर्फ पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट कर रहे हैं, बल्कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। वीडियो में देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बावड़ी चौराहे पर किस तरह श्रद्धा का तमाशा बना रहे हैं। भक्ति की आड़ में यहाँ सिर्फ इसलिए बवाल मचाया जा रहा है क्योंकि इनमें से एक युवक की इस गांव के दीपू नाम के एक युवक से पुरानी रंजिश थी और उसी रंजिश में बदला लेने के लिए इन लोगों ने भक्ति का सहारा लिया। ये लोग कांवड़ लेकर कांवड़ियों के साथ इस गाँव में रुके और फिर साजिश के तहत दीपू की बेरहमी से पिटाई कर डाली। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। हालांकि बुलंदशहर एसपी सिटी का दावा है कि इस पूरी घटना में 8 लोगों को नामजद करते हुए 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा डालना और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कुछ कावड़े वाला तोड़ने का मामला है सर, क्या पूरा मामला है सर, क्या कार्रवाई की गई है सर? देखिए, कल मामला है लगभग 7:30-8 बजे का है। बुकलाना जो कि हमारा नरसेना थाना क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पर पप्पू नाम का व्यक्ति जो किनौना थाना खानपुर का रहने वाला है, इसकी ननसाल है। अभी लगभग एक सप्ताह पहले यह ठेकेदार के साथ मीटर लगाने का, बिजली का मीटर लगाने का कार्य करता है, तो ये बुकलाना में दीपू के घर पे गया था मीटर लगाने के लिए, जिसको लेकर इनका विवाद हुआ था लगभग एक सप्ताह पहले। अब इस समय ये कांवड़ के वेश में इनको अवसर मिला और कल ले जाके सुबह फिर झगड़ा किए। उसी दौरान जब हमारी पीआरबी मोबाइल पहुंची वहां पे, तो इन लोगों ने उसका शीशा तोड़ दिया। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये दो लोगों का आपस का मामला है, इसमें जो भी कांवड़ के वेश में है ये लोग इसके साथी हैं पप्पू के, जिनकी पहचान कर ली गई है। 8 लोगों के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया है, उनकी तलाश की जा रही है, शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट।